हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। अगर डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट मिल्क नहीं है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है या ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है। यूजुअल केस में कैसे होता है, डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद पहले 2.5 से 3 दिन तक कोलेस्ट्रम आता है, 3 दिन के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप मिल्क फ्लो शुरू होता है और करीब 5th या 6th डे के बाद नॉर्मल मिल्क फ्लो शुरू हो जाता है। ये नॉर्मल रूटीन सीक्वेंस है, नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो। बट बहुत सारे लोगों के केस में यूजुअली सडनली अनएक्सपेक्टेड सिजेरियन, जहाँ पे बॉडी को पता ही नहीं है क्योंकि डिलीवरी हो चुका है, तो तभी डिलेड ऑनसेट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क ऑब्जर्व होता है, मतलब ब्रेस्ट मिल्क ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या हम लोग को 100% करना चाहिए, ये सारे स्टेप्स आपके लिए फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज बहुत सारे नए मदर्स का कंफ्यूजन यहाँ से चालू होता है और फिर आगे बढ़ के वो लोग रीच हो जाते हैं कि मेरा बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है। अगर आप लोग, हम लोग आज बताए हुए स्टेप्स को फॉलो अगर करते हो तो आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा कि ठीक है 2 दिन के बाद ही सही, बट ब्रेस्ट फीडिंग सेट होने में हेल्प होगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो आपको फॉलो करना है, बेबी को एम्प्टी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लेना है। व्हाट इज एम्प्टी ब्रेस्ट फीडिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, बार बार प्रेस करके चेक मत करो दूध आ रहा है कि दूध नहीं आ रहा है। कुछ बहुत सारे लोगों के केस में ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, वो लोग प्रेस करके चेक करते हैं, दूध नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चे को ऊपर का दूध दे दो, डॉक्टर ने हमको दवाइयाँ दी हुई है दूध बढ़ाने के लिए, दूध नहीं आ रहा है चलो बच्चे को ऊपर का दूध दे दो। ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, बिकॉज डॉक्टर आपको कितनी भी दवाइयाँ दे, सबसे बेस्ट इंसान जो ब्रेस्ट मिल्क फ्लो शुरू कर सकता है ये आपका खुद का बच्चा है। इसीलिए बच्चे को आप लोग अगर एम्प्टी सकलिंग या एम्प्टी ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब ब्रेस्ट में से दूध नहीं आ रहा है बट आप बच्चे को ब्रेस्ट पे ले रहे हो खींचने के लिए, इससे ऑटोमेटिकली ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि ओके ब्रेस्ट मिल्क भेजो, ब्रेस्ट फीडिंग नीचे शुरू है। सो यूजुअली 1st डे एंड या 2nd डे, मैक्सिमम 3rd डे मॉर्निंग तक ब्रेस्ट मिल्क फ्लो शुरू हो जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आप लोग ब्रेस्ट मिल्क का स्टार्ट नहीं देख रहे हो तो आपके जो भी डॉक्टर है उनसे बात करो, वो आपको दवाई देंगे। सो फर्स्ट स्टेप एम्प्टी सकलिंग, बच्चे को हर बार हर 2 घंटे बाद ब्रेस्ट पे लेके सकिंग करवाना, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, आप आपके डॉक्टर से बात करो, बहुत सारे ऐसे सेफ मेडिकेशंस होते हैं जैसे गैलेक की गोलियां हो गई, मतलब ऐसी दवाइयां जो ब्रेस्ट मिल्क फ्लो शुरू करवाने में हेल्प कर सकती है। याद रखो टू मच मेडिकेशन अफेक्ट करता है। व्हाट इज नॉर्मल? बहुत सारे लोग के केस में 48 आवर्स के बाद ब्रेस्ट मिल्क फ्लो शुरू होता है। अगर आप लोग इस 48 आवर्स में टू मच मेडिकेशन लेते हो तो फिर आपको ओवर हैवी बल्जी ब्रेस्ट का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए नॉट टू मच मेडिकेशन बट यस, 1 या 2 गोलियां जो भी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, डिपेंडिंग ऑन आपको चेक करने के बाद अकॉर्डिंगली आप लोग दवाई ले सकते हो। थर्ड थिंग, अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्मल। व्हाट डू मीन बाय अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्मल? जैसे कि मैंने आप लोग को बोला एकदम नॉर्मल केस में डिलीवरी के बाद कोलेस्ट्रम होता है और फिर धीरे धीरे दूध आता है, थोड़ा सा अगर सडनली सीजर है या अगर बिल्कुल भी ब्रेस्ट मिल्क नहीं दिख रहा है, इवन दिस इज नॉर्मल कि पहले 24 आवर के बाद थोड़ा थोड़ा दूध दिखाई देगा। और द थर्ड साइन इज 48 आवर्स मैक्सिमम आपको दूध दिखाई देगा। तो ये नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा पैनिक में आके, स्ट्रेस में आके अगर आप लोग इस पूरे जर्नी को जियोगे तो ये ब्रेस्ट मिल्क फ्लो अफेक्ट करेगा। फोर्थ थिंग जो आप लोगों को कंपलसरी करना है, बच्चे को सिरिंज से या कटोरी चम्मच से पिलाओ। सिरिंज का फोटो मैं यहाँ पे लिंक करी हूँ, वो आप लोग एक बार देख लो। सिरिंज इज बेस्ट। क्यों बेस्ट है? बिकॉज सिरिंज को अगर आप लोग मुंह के बच्चे के एक तरफ अंदर डालते हो और धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर दूध अंदर डालते हो, इससे क्या होगा पता है, बच्चे के टंग और गाल के वो मसल काम करते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी काम करता है, तो बच्चे का ट्रेनिंग चालू रहेगा सकिंग की तरफ। दूसरा चीज़ जो आप लोग यूज़ कर सकते हो इस कटोरी चम्मच, ये ट्रेडिशनल मेथड है बच्चे को दूध पिलाने का,
कटोरी चम्मच से बच्चे को फीड कराओ, चम्मच आपको थोड़ा ज्यादा अंदर डालना है ताकि बच्चा सक करके स्पून पे से दूध पी सके। ये भी ट्रेनिंग है बच्चे के टंग और चीक्स के लिए, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बच्चा ट्रेन हो जाए। आपको कंपलसरी दूध की बॉटल से दूध नहीं पिलाना है। सो बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन हो जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क है नहीं, ऊपर का दूध बच्चा एक बार बॉटल से ले लेता है तो बहुत पीसफुल हो जाता है, तो हम लोग बॉटल से फीड करते हैं। ये बिगेस्ट मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करना है। स्ट्रिक्टली नो नो टू बॉटल फीडिंग। अगर आप लोग बॉटल से बच्चे को दूध पिलाओगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है बॉटल का सकिंग और ब्रेस्ट का सकिंग। सो आप लोगों को अवॉइड करना है कि मिल्क बॉटल इंट्रोड्यूस नहीं करना। अगर किसी वजह से आपको मिल्क बॉटल देना भी पड़े तो भी यू विल थिंक अबाउट इट आफ्टर 40 डेज। फर्स्ट आपका पूरा टारगेट होना चाहिए कि बच्चा ब्रेस्ट पे ही आके ब्रेस्ट फीडिंग करे। बच्चे को लैच का मतलब, सक का मतलब ये ब्रेस्ट पे से ही पता चले, तो आपका ब्रेस्ट मिल्क शुरू भी बहुत अच्छे से होगा और ब्रेस्ट मिल्क का फ्लो भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा। नेक्स्ट थिंग, आपको आपकी डाइट में बहुत हेल्दी डाइट लेना है। हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं अबाउट ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर्स, आप लोग वो सब चीज़ें आपकी डाइट में ऐड कर सकते हो। एक हेल्दी डाइट इंश्योर करता है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क फ्लो एक तो टाइम पे आएगा, अच्छे से आएगा और उसका क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका ब्रेस्ट मिल्क का जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी है दोनों भी माँ की डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको हेल्दी डाइट लेना है, प्रॉपर फ्रूट्स खाओ, बहुत सारा पानी पियो, डिपेंड्स आपके डॉक्टर ने आपको जैसे जैसे अलाउड किया वैसे आप लोग खाना खा सकते हो, बट कल्चरल मिथ्स में मत जाओ कि सिर्फ चावल ही खाना है, सिर्फ पेपर ही खाना है और रोटी सब्जी अलाउड नहीं है, हम लोग के घर में बहुत लिक्विड लिक्विड करके खाना खाना है, सिर्फ दूध पीने के ऊपर फोकस है, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। अ प्रॉपर हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट आपको ब्रेस्ट मिल्क फ्लो शुरू कराने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग, यू हैव टू बी पेशेंट। अगर आप बहुत इम्पेशेंट हो गए, रोने लग गए, आपको अगर वो फेज मैनेज नहीं हुआ तो आपको ऑब्जर्व होगा स्ट्रेस विल डिले ब्रेस्ट मिल्क फ्लो। सो ब्रेस्ट मिल्क फ्लो नहीं है इसके लिए आप लोग स्ट्रेस में हो, जितना आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस में हो उतना ब्रेस्ट मिल्क फ्लो और कम होगा या डिले होगा। तो स्माइल करो, वैसे भी आप लोग बच्चे को सिरिंज या कटोरी चम्मच से पिला रहे हो तो बच्चा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ट्रेन हो जाएगा आपके ब्रेस्ट पे आके सक करने के लिए और ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको ऑब्जर्व हो कि ब्रेस्ट मिल्क फ्लो नहीं है इसीलिए बच्चा थोड़ा इरिटेट हो रहा है, बच्चा 4-5 मिनट के लिए सक कर पाता है बट उसके बियॉन्ड बच्चा सक नहीं करता है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? आपको ध्यान में रखना है बच्चा हर 2 घंटे बाद ब्रेस्ट फीडिंग करता है। कितना देर के लिए? यूजुअली इतने छोटे बच्चे 10-20 मिनट के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कर लेते हैं। तो आपने बच्चे को लिया, बच्चे ने 5-7 मिनट ब्रेस्ट फीडिंग किया, उसके बाद आपको बचे हुए 15 मिनट के लिए ब्रेस्ट पंप लेके, सो आइडियली मैनुअल ब्रेस्ट पंप में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको ब्रेस्ट पे पंपिंग करना है। सो टोटल कितने मिनट बचे हैं? से 20 मिनट बचे हैं, तो 10 मिनट यहाँ पे, 10 मिनट यहाँ पे, ताकि ब्रेस्ट को और ब्रेन को वो सिग्नल मिलता रहे कि 20 मिनट्स का ब्रेस्ट फीडिंग चालू है, अकॉर्डिंगली मिल्क फ्लो भेजो। इट्स अ डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। तो ब्रेस्ट पंप का यूज़ आपके लिए काफ़ी स्मार्ट यूज़ हो सकता है। जैसे ही मिल्क फ्लो शुरू हो जाएगा आपको ऑब्जर्व होगा कि बच्चा धीरे धीरे सक करने लग जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अगर बच्चे को एम्प्टी ब्रेस्ट पे सकलिंग बढ़ाना है तो फिर आप लोग एक बहुत वंडरफुल आइडिया कर सकते हो। प्लीज़ इस आइडिया को यूज़ करो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आइडिया है। ब्रेस्ट पे आपने बच्चे को लिया, बच्चा फीड कर रहा है, आपको पता है मिल्क फ्लो ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है? बच्चा सक कर रहा है, ड्रॉपर लो और ड्रॉपर से बच्चे के मुंह के इस एरिया में एक ड्रॉप टॉप मिल्क जो आपने बनाया पाउडर्ड मिल्क या लैक्टोजन वो छोड़ो। जैसे ही आप लोग छोड़ोगे आपको ऑब्जर्व होगा बच्चा बहुत अच्छे से फीड करता है, वापस 2-3 मिनट के बाद सकिंग रुक गया, वापस एक ड्रॉप दूध छोड़ो, वापस सकिंग करवाओ। इससे बच्चे को ऐसा फील होता है कि शायद से ब्रेस्ट में से ही दूध निकल रहा है, बच्चा सक बहुत स्ट्रांगली करता है। बच्चा जैसे सक करेगा, सिर्फ बच्चे को भूखा हम लोग रखने का टारगेट नहीं है, एक बार ये 10-15-20 मिनट का सकिंग हो गया हम लोग बच्चे को टॉप मिल्क देने वाले हैं। सो हम लोग बच्चे को सफ़र नहीं करवा रहे, बट वो जो ड्रॉप बाय ड्रॉप आप लोग टॉप मिल्क ब्रेस्ट पे डाल रहे हो बच्चे के इस एरिया में,
उससे बच्चा सक करेगा फॉर अ लॉन्गर और ब्रेस्ट मिल्क फ्लो सेट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं है तो आपको ये टॉप टिप्स याद रखने हैं, इन चीज़ों को याद रखो, आप लोगों का डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट मिल्क फ्लो सेट हो जाएगा और बहुत अच्छे से सेट होगा। आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना जिसमें हम लोग बात करेंगे अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पा रहा है तो आपको कौन से टॉप टिप्स को याद रखना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, कमेंट करके हम लोग को ज़रूर बताना क्या आपका मदरहुड जर्नी थोड़ा और आसान हुआ। अगर आप में से कोई प्रेग्नेंट हो और आपको मुझसे ट्रेन होना है, डू गेट इन टच विद अस ऑन www.mayadwija.com। अगर आपका बच्चा 5 महीने का है, सॉलिड इंट्रोडक्शन का कोर्स करना है, वी हैव इट ऑनलाइन एवरी मंथ एंड। और अगर आपका बच्चा 3 महीने प्लस है तो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट और ब्रेन स्टिमुलेशन के एक्टिविटीज़ का नेक्स्ट बैच वी हैव एवरी ऑल्टरनेट 2 to 3 months। गेट इन टच विद अस एंड यस बी अ पार्ट ऑफ माय दुजा फैमिली। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।